अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स उर्दू। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने वीडियो वगैरह कोई एडिट करनी है नॉर्मल वगैरह, तो उसके लिए ये विंडो, मेरे पास विंडो 10 है, इसमें इन बिल्ट एक सॉफ्टवेयर है फोटोज़, तो उस पर आप कैसे एडिट वगैरह करेंगे। ओके, तो ये एक वीडियो है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ फोटोज़ में। ये मैं एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ ताकि दोबारा बार बार इसके ऊपर ना, ऑलवेज़ फोटोज़। ओके, ये फ़ोटोज़ में मैंने इसे ओपन किया है। तो इसको एडिट वगैरह करने के लिए ये यहाँ से एडिट वगैरह होगी, और यहाँ से अगर शेयर वगैरह किसी को करनी है वीडियो, ये देख लें शेयर, यहाँ भी ये नाम वगैरह हैं, इनको अगर शेयर वगैरह करनी है, नीचे कॉपी फाइल वगैरह करनी है, या मेल, स्काइप वगैरह, या कोई और स्टोर में से आप डाउनलोड वगैरह करके उस पर भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैं एडिट में आ जाता हूँ, एडिट एंड क्रिएट। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले मैं वीडियो को ट्रिम करना आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ से आप वीडियो को ट्रिम कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जहाँ से शुरू में ये तीन है, मैंने आपको समझाने के लिए, तीन को आपने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आ जाएं। ओके, तीन ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ एंड से आपने जो एक को ख़त्म कर दें, ये देखें एंड पे दो शुरू हो रहा है, तो मैंने तीन और एक ख़त्म कर दिया ट्रिम करने के लिए। एंड से करने के लिए यहाँ पे आप आ जाएं, जो भी जैसा आपने ट्रिम करना है, ये तीन को ख़त्म कर रहा हूँ और एंड से एक को ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, ये दो शुरू हो रहा है। यहाँ पे सेव एंड कॉपी पे आएंगे, मैं प्ले करता हूँ, देख लें थ्री भी ख़त्म हो गया है और एक भी ख़त्म हो गया है, ये ट्रिम करने का तरीका का। उसके बाद अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह लेनी हो, ये स्लो मोशन का भी बता दूँ, इसके ऊपर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो स्लो में चलानी है तो उसका क्या तरीका का है, ये देखें, यहाँ पे फास्ट है और यहाँ पे स्लो इस तरफ हो, ये सेंटर में आएंगे नॉर्मल, यानी ना ज़्यादा स्पीड होगी ना ज़्यादा स्लो। ओके, यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड आ गई है, यहाँ पे दरमियानी स्लोअर, और यहाँ पे बिल्कुल एंड पे सुपर स्लो, जहाँ से आपने स्लो करनी है, मिसाल के तौर पे शुरू से ही स्लो करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल स्लो स्लो देखें चल रही है। ओके, अगर आपने सेंटर से कहीं से स्लो करनी है, यहाँ से स्लो करनी है वीडियो, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे आके वीडियो स्लो हो जाएगी, ये देख लें सुपर स्लो मोशन। ओके, तो सेव एंड कॉपी करेंगे तो ये सुपर स्लो मोशन में सेव हो जाएगी। मैं ये आपको वीडियो दिखा भी देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये देख लें स्लो, इसके ऊपर मैं क्लिक करके वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये देख लें बिल्कुल स्लो हो गई। ओके, उसके बाद क्योंकि मैंने सेव की थी, ये फिर स्पीड आई हो गई है। ओके, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी वो यूज़ हो रही है इस वजह से। ओके, फिर इस वीडियो पे आ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, फ़ोटोज़ ओपन हो जाएगा, और एडिट पे आ जाता हूँ। उसके बाद अगर फ़ोटोज़ वगैरह, ये भी दो है, आपने जो फ़ोटो वगैरह लेने हैं, यहाँ पे दो है या तीन, चलो मैं तीन का एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ओके, सेव फ़ोटो, करंट फ्रेम, और यहाँ पे ये देख लें ये फ़ोटो आ गया यहाँ पे तीन का। ओके, पिक्चर वगैरह भी अगर कोई वीडियो में बनानी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको कैंसिल, सॉरी, ये वीडियो ओपन हो गई। फिर एडिट पे आ जाता हूँ, ट्रिम का बता दिया, स्लो मोशन का बता दिया, और फ़ोटोज़ वगैरह का भी बता दिया। इसके बाद अगर आपने कोई चीज़ वगैरह यहाँ पे लिखनी हो, ड्रा करना हो कोई, तो जहाँ पे आपने ड्रा करना है ये शुरू में, तो यहाँ पे आप जो चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये रेड कलर में कर लेता हूँ, और इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके,
तो सेव कर देता हूँ यहाँ से। प्ले करता हूँ, ये देख लें जो चीज़ आप ड्रा करेंगे वो भी यहाँ पे शो होने लग जाएगी। ओके, ये वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा से, फिर इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ड्रा हो गई है। फिर इसमें अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आपने लगानी हो, कोई चीज़ इंग्लिश में इसके अंदर लिखनी हो, तो वो आप कैसे करेंगे? क्रिएट ए वीडियो टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ। न्यू वीडियो, ओके। यहाँ पे ये देख लें टेक्स्ट, और ये सैंपल वगैरह आ गए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट कर लें। ओके, ये सैंपल, ये देख लें यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये देख लें। ओके, जिस सैंपल में भी आप लिखना चाहें वो यहाँ से करेंगे और डन करेंगे। मैं वीडियो चला के दिखा देता हूँ आपको, ये देख लें नीचे लिखा हुआ आ गया। ओके, मैं फिर से इसको ख़त्म कर देता हूँ और डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटोज़ में ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ में कर दी है। ओके, फिर 3D टेक्स्ट वगैरह करना चाहें तो यहाँ पर से कर सकते हैं, और एनिमेशन वगैरह कोई यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें। एडिटर ओपनिंग, ये टेक्स्ट फिल्टर्स वगैरह यहाँ से, और मोशन वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, ट्रिम वगैरह करना चाहें यहाँ से, एंड से अगर कोई चीज़ काटना चाहें या शुरू से, वो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। कोई मोशन वगैरह अगर यहाँ से अप्लाई करना चाहें, ये देखें सेंटर से या एक साइड से, ये जो भी आप यहाँ से करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर फिल्टर वगैरह अगर कोई लगाना चाहें मिसाल के तौर पर, ये तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई करके आपको वीडियो सेव करके दिखा देता हूँ। फिल्टर, ये एक फिल्टर लगा देते हैं, ये देख लें। ओके, उसके बाद सेव एंड कॉपी। जो रेजोल्यूशन वगैरह करनी है आपने, वो 720 है, 540 है और 180 है। ओके, मैं 180 कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। माई वीडियो टू एक्सपोर्ट, ओके, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।